So here we have how to find it out x meridian and x meridian limits कि उस टाइम हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करना है x meridian का और हमें कि किस तरीके से पता लग जाएगा कि when we will start and why also कि why do we take this. तो it is x meridian limits. So firstly to know why do we take and how to know when to start, मतलब कब शुरू करना है और क्यों हम लेते हैं. तो एक्स मेरिडियन का रीज़न, तो ये रहा एक्स मेरिडियन का रीज़न. एक्स मेरिडियन मेथड समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन द मेरिडियन एल्टीट्यूड ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी स्पेशली द सन ओइंग टू द क्लाउड हेजी होराइजन रेन और अदर कॉजेस. इन सच केसेस इट मे बी पॉसिबल अंडर सर्टन कंडीशन गिवन बिलो to observe the body near the meridian and by the use of the nautical table calculate the latitude where the PL, that's the DR longitude, the observed lattice, not necessary to be the latitude of the ship, direction of the PL is obtained in a usual manner calculating the azimuth by ABC table applying plus minus 90 to it. So the thing is firstly to know why do we take. So why do we take? Because sometimes sun, it is not possible to take the sun at exactly meridian altitude. तो sun का जो meridian altitude है वो पता नहीं कर सकते due to hazy horizon या rain के वजह से. So हम लोग ये x meridian जो है x meridian limit उस time पे carry out करते हैं. तो x meridian limit जो है वो कितनी होगी. अब ये है कि first one कि फर्स्टली टू नो वाई डू वी टेक. तो वाई डू वी टेक का तो आंसर हमें पता लग गया कि ड्यू टू दिस कि सन जो है वो अपने सन का हम लोग कभी कभी नहीं ले सकते क्योंकि क्लाउडी हो जाए, हेजी होराइजन हो जाए या रेन हो जाए. तो इन सब कॉजेस के वजह से हम मेरिडियन पे नहीं ले सकते हैं. तो वी टेक एक्स मेरिडियन. एक्स मेरिडियन की अपनी लिमिट होती है कि कब तक ले सकते हैं. ओके सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन वॉज ओके एंड नाउ इज हाउ टू नो वेन टू स्टार्ट कि मतलब एक्स मेरिडियन लिमिट कब स्टार्ट होती है वो हमें पता करना है और किस तरीके से. क्योंकि एक्स मेरिडियन लिमिट पता होगी तभी हम उसमें ले सकते हैं एक्स मेरिडियन, नहीं तो हर टाइम पे एक्स मेरिडियन नहीं लिया जा सकता है. सो वी हैव टू फाइंड इट आउट वेन इज द एक्स मेरिडियन. तो इसमें यहाँ पे दिस इज कि द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द साइट मे बी वर्किंग एट द एक्स मेरिडियन मेथड is governed by the value and the name of this one. Okay. La la la. हाँ ये रहा. The value of the x meridian limit is obtained from the nautical table. In case of the ये Nouri's तो नहीं है but हम लोग इसमें कर लेते हैं. In the case of the Nouri's table we have to consult x meridian table 1 and 4 to obtain x meridian limits. X meridian table 1 is in two parts, one for the latitude and declination having the same name and the other for the latitude and declination having the opposite name. तो ये वाला जो part है Nouri's table का ये तो generally सबको पता ही है कि सबने किया ही है और orals में generally ये वाला तो बस बोल के भी काम चलाया जा सकता है कि ये वाला कि how to do it, but they want a thumb rule कि किस तरीके से बता लग करते हैं. जैसे max most of the time they ask the question. तो इसमें क्या है ये वाला है यहाँ पे अ रफ थंब रूल इज अवेलेबल टू ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स मेरिडियन लिमिट विदाउट द नॉटिकल टेबल. तो ये क्या लिखा है कैलकुलेट द एल एंड डी दैट इज लैटिट्यूड एंड डेक्लिनेशन. एल इज लैटिट्यूड एंड डी फॉर डेक्लिनेशन. सेम नेम तो सब्ट्रैक्ट कर दो. एस से सेम नेम, एस से सब्ट्रैक्ट. ये लॉन्ग बाई क्रोन में भी था. तो सेम नेम सब्ट्रैक्ट एंड अपोजिट नेम एड. देन स्क्वायर ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर. स्क्वायर ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर का मतलब स्क्वायर नहीं करना है, मतलब कि जैसे कि 15 पॉइंट समथिंग आ गया तो उसे 16 बना दिया या 17 पॉइंट कुछ आ गया, 20 पॉइंट कुछ आ गया तो उसे 21 कर देना है या 20 कर देना है. तो इट इज 0.5 या उससे ज़्यादा आ जा रहा है तो 21 कर दिया और 0.5 से कम आ जा रहा है 0.4 है तो हम लोग 20 कर देंगे. मतलब इट इज़ अप टू यू कि व्हाट यू वांट, बट उसको कि मतलब स्क्वायर नहीं करना है, उसको जो क्लोजेस्ट होल नंबर है उसमें डाल देना है. तो दिस इज वन एग्जांपल आल्सो इट हैज बीन गिवन हियर.
जैसे डी एल एट 2016 मिनट्स नॉर्थ और डेक्लिनेशन जो है 2030 मिनट्स साउथ है, तो ये 2030 हो गया प्लस ए 20, तो ये 40 degrees और दिस विल बी अराउंड 46 मिनट्स, तो 40 डिग्री 46 मिनट्स हो जाएगा विच इज़ क्लोज टू 41 डिग्री. तो वही हमने 41 ले लिया बट कन्वर्टेड टू मिनट्स नॉट इन डिग्रीज. ये मिस्टेक बहुत बार हो जाती है कि हम लोग इसको निकाल के और डिग्रीज में आंसर बोल देते हैं, बट दैट शुड बी इन मिनट्स हियर. तो ये वाला है क्योंकि इसमें नॉर्थ और साउथ दिया अपोजिट नेम, क्योंकि सेम नेम सब्ट्रैक्ट था इधर पे, सेम नेम सब्ट्रैक्ट अपोजिट नेम इज ऐड, सो आई एडेड दिस, दैट्स व्हाई. और ये 41 मिनट्स आ गया. तो हमें आ गया कि एक्स मेरिडियन लिमिट कब निकालनी है और क्यों निकालनी है. क्यों निकालनी है, सन वाला रीज़न, ये जो ऊपर फोर्थ पैराग्राफ में दिया हुआ है ये वाला. और कैसे निकालनी है, दिस इज दिस वन, ये रफली थंब रूल वाला यहाँ से, और ये एक एग्जांपल देख के वी कैन अंडरस्टैंड. ओके नाउ ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कहीं पे कि पूछा था किसी ने फॉर एक्स मेरिडियन एल्टीट्यूड सन, मतलब किस लिमिट को क्या लिमिट माने, मैक्सिमम लिमिट क्या है. तो किसी ने 72 मिनट्स आंसर दिया था. तो वो जो 72 मिनट्स है वो पता नहीं मुझे कहाँ से आंसर दिया था, बट जो मुझे मिला वो ये रहा कि मस्ट बी नियरली 1200 आवर्स बिटवीन 10:30 एंड 13:30 और सो. तो ये मुझे मिल गया था, ये कहाँ से, ये पेज कहाँ का है ये सबको पता है. तो दिस वन इट्स ओके. और फिर जो प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन में जो मेथड्स लिखे हुए हैं एक्स मेरिडियन साइट के लिए, ये वाले, ये भी सेम ही है, दे आर ऑल्सो सेम, सेम थिंग इज बीन टोल्ड, नथिंग डिफरेंट. यहाँ पे इन्होंने वो मेथड बता दिया है कि वर्क द एक्स मेरिडियन लिमिट फॉर द बॉडी, ऑब्टेन द एल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी, ये सब दे दिया, मतलब कैलकुलेशन पार्ट. तो कैलकुलेशन पार्ट मैंने यहाँ पे कर लिया है कि एक्स मेरिडियन है 4th मार्च का है, 27:16 वेस्ट है, सन का लोअर लिम 56:19.86 एंगल, और ये वाले क्वेश्चन आ गया. तो इसमें से हमने पहले जीएमटी निकाल लिया, यहाँ से जीएमटी निकल गया, एलआईटी एलएमटी निकाल लिया, जीएमटी बाद में हमको जीएमटी पता चल गया, जीएमटी से जीएचए कैलकुलेट कर लिया, और इसी जीएमटी पे हम लोगों ने डेक्लिनेशन भी निकाल लिया. यहाँ पे ये सेक्सटेंट एल्टीट्यूड इंडेक्स एरर ऑब्जर्वड, ये यहाँ से टीजेडडी तक आ गए, उसको जो है हमने टीजेडडी तक निकाल लेना है, यहाँ पे टीजेडडी तक निकाल लेना है, यहाँ पे ये डेक्लिनेशन तक ये निकाल लेना है, और जीएचए से एलएचए तक निकाल लेना है ये टीजेडडी. अब टीजेडडी के बाद क्या करना है, हमको ये वाला मेथड जो नॉर्मली वी यूज, कॉस ऑफ एमजेडडी कॉस ऑफ टीजेडडी प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ पी कॉस ऑफ डीआर लैट इनटू कॉस ऑफ डेक, इस वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लेना है और एमजेडडी कैलकुलेट कर लेना है. एमजेडडी पता लग जाएगा हमें, तो एमजेडडी पता है हमें और हमें डेक्लिनेशन पता है, तो ऑब्जर्व लैट निकल जाएगी आराम से. एमजेडडी जो है वो नॉर्थ है, जो डेक्लिनेशन है वो साउथ है, तो जो ऑब्जर्व लैट आ जाएगी, क्योंकि जो एमजेडडी होता है वो होता है फ्रॉम द बॉडी टू द ऑब्जर्वर, तो बॉडी जो है वो डेक्लिनेशन पे है साउथ में, और जो ऑब्जर्वर है वो कहीं, क्योंकि इसमें भी डी आर लैट तो दिया ही है ना, तो फ्रॉम डी आर लैट नॉर्थ हमें पता है नॉर्थ में, तो साउथ से लेके नॉर्थ में है, तो इसका मतलब जो ऑब्जर्व लैट होगी, क्योंकि हम एमजेडडी कैलकुलेट कर चुके हैं और ज़्यादा नॉर्थ में जा रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ में होगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही ऑब्जर्व लैट आ जाएगा. ये लॉन्ग बाई क्रोन जो नून साइट थी, सॉरी नून साइट में भी इसमें फिगर में करके बताया हुआ था कि एमजेडडी का किस तरीके से है, और टीजेडडी उल्टा होता है, टीजेडडी जो होता है वो ऑब्जर्वर से बॉडी की तरफ होता है. ओके तो यहाँ से हमने टीजेडडी कैलकुलेट करके एमजेडडी कैलकुलेट करके और एमजेडडी में डेक्लिनेशन प्लस माइनस करके, मतलब यहाँ तो माइनस ही करेंगे बट जैसा भी हो, उसके बाद ऑब्जर्वड लैटिट्यूड निकाल लिया, फिर डी आर लॉन्ग, तो ये लैट और लॉन्ग निकल गया. फिर ए बी सी की हेल्प से हमने टैन एजिमथ करके एजिमथ और पी एल निकाल लिया, और ये रहा हमारा ये डायग्राम.
तो फाइनली ये तो मतलब ऑलमोस्ट इट्स ओके ओके, सबको समझ में आ गया है, बट इसको फाइनली हमें बोलना कैसे है कि हम सबसे पहले, अगर रीजन पूछा तो ये बता देंगे फर्स्ट पैराग्राफ, अदरवाइज एज वी नो द रूल ऑफ द थम कि डेक्लिनेशन और एटीट्यूड सेम नेम होंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट नेम होगा तो ऐड कर देंगे, और फाइनली कन्वर्टिंग इनटू द मिनट्स, 41 मिनट्स। तो हम लोग जो मेरिडियन टाइम है, तो मेरिडियन टाइम हमें नॉटिकल एल्मनैक से मिल जाता है, तो उसमें 41 मिनट्स हम लोग प्लस माइनस करके उस टाइम पे हम सेक्सटेंट एल्टीट्यूड निकाल लेंगे सन का। सन का सेक्सटेंट एल्टीट्यूड निकल गया, जीएमटी ये रहा, मतलब लेट्स से कि सेक्सटेंट एल्टीट्यूड ये रहा, हम लोग इस पोजीशन पे थे, ये डेट थी उस दिन की, और टाइम जो था वो जीएमटी का ये चल रहा था। तो इस जीएमटी के टाइम से यूज करके, ये वाला सेक्सटेंट एंगल यूज करके हम लोग टीजेडटी तक निकाल लेंगे, ये टाइम था उस टाइम जीएमटी, तो इसको करके जीएचटी और डेक्लिनेशन निकाल लिया, फिर टीजेडडी से हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया एमजेडडी, और एमजेडडी के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व लैटिट्यूड निकाल के, डीआर लॉन्ग निकाल के, एबीसी से 10 एजीमथ, और फाइनली ये। तो बस यही बोलना ही है हम लोगों को, इसी तरीके से बोलना भी है, वी हैव टू स्पीक इट लाइक दिस ओनली, कि वी विल फाइंड इट आउट द एक्स मेरिडियन लिमिट बाय यूजिंग द लैट एंड डेक बाई द, इफ दे विल बी सेम नेम देन सब्ट्रैक्ट, अपोजिट नेम देन ऐड, एंड एज वी नो द एक्स मेरिडियन लिमिट नाउ, सो वी विल टेक द सेक्सटेंट एल्टीट्यूड एट द सेम बिटवीन द सेम लिमिट, एंड वी विल नोट डाउन द जीएमटी टाइम एंड द पोजिशन ऑफ द वेसल। फ्रॉम द जीएमटी टाइम वी विल टेक आउट जीएचए एंड डेक्लिनेशन ऑफ द बॉडी, एंड फ्रॉम द सेक्सटेंट एल्टीट्यूड वी विल कैलकुलेट द टीजेडडी। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द टी जेड डी बाई द फॉर्मूला कॉस ऑफ एम जेड डी, कॉस ऑफ टी जेड डी, दिस फॉर्मूला वी विल यूज टू फाइंड इट आउट एम जेड डी एंड एम जेड डी एंड डेक्लिनेशन, एज वी नो एम जेड डी एज वेल एज डेक्लिनेशन, सो एम जेड डी इज फ्रॉम द बॉडी टू द ऑब्जर्वर, सो एंड द डेक्लिनेशन ऑफ द बॉडी ऑल्सो आई नो, सो बाई कैलकुलेटिंग बोथ ऑफ देम, लेट्स से दे आर ऑफ द अपोजिट नेम, देन बाई सब्ट्रैक्टिंग देम आई विल गेट टू गेट द ऑब्जर्व लैटिट्यूड एंड आई हैव द डी आर लॉन्गिट्यूड, एंड बाई यूजिंग ए बी सी, बाई यूजिंग द फॉर्मूला टैन लैट अपॉन टैन पी एंड टैन डैक अपॉन साइन पी, आई विल फाइंड आउट द एजिमथ, वी नो द एजिमथ एंड द पी एल इज 90 डिग्रीज फ्रॉम, दैट इज 90 डिग्री एंड फ्रॉम द एजिमथ, सो वी विल प्लॉट आवर डी आर, डी आर प्लॉट अप कर देंगे, उसके बाद ऑब्जर्व लैट डाल देंगे, और ऑब्जर्व लैट से एजिमथ और पी एल मार देंगे, यहाँ पे शो क्या होगा, ये रहा, ऑब्जर्व लैट से मारना है एजिमथ और पी एल, डी आर लैट से नहीं, तो ऑब्जर्व लैट से हम एजिमथ और पी एल मार के, और बस जो पोजीशन आएगी दैट विल बी आवर फाइनल पोजीशन, दिस इज हाउ वी हैव टू स्पीक, सो दैट्स इट, आई विल पुट द क्लिप ऑल्सो इन इट, सो नथिंग मोर दिस।